ये कहानी अर्जुन नाम के एक साइंटिस्ट की है जो जंगल में अपनी एक खुफिया लैब बनाकर वहाँ एक हेलीकॉप्टर पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक बार मेरा ये हेलीकॉप्टर रोबोट तैयार हो जाए फिर मैं इस देश पर राज करूँगा। अर्जुन दिन रात मेहनत करता है और आखिरकार वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाता है। उसने अपना एक रिमोट कंट्रोल रोबोट तैयार कर लिया जिसमें वो एक बटन दबाने से ही वो हेलीकॉप्टर एक रोबोट में बदल जाता है। ये हुई ना बात, मेरा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, अब मैं इसे भेजकर गांव में तबाही मचाऊंगा। अर्जुन मैप पर देखता है, उसे कई सारे गांव नजर आते हैं, लेकिन तभी उसे अपने पास में ही एक गांव नजर आता है जिसकी आबादी भी ज्यादा थी। इसलिए अर्जुन अपने हेलीकॉप्टर रोबोट को उसी गांव में तबाही मचाने के लिए भेजता है। फिर वो रोबोट जंगल में उड़कर गांव की तरफ आता है और सभी लोगों पर हमला करने लगता है। सभी गांव के लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर देखते ही देखते एक रोबोट में बदल जाता है और उसके बाद वो गाँव वाले उनके घरों को तोड़ने लगता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। आर्मी को जब खबर लगती है तो अपने हेलीकॉप्टर लेकर उस हेलीकॉप्टर रोबोट का सामना करने आते हैं, लेकिन वो उस हेलीकॉप्टर रोबोट के आगे टिक नहीं पाते क्योंकि हेलीकॉप्टर रोबोट उन्हें मार गिराता है और उस हेलीकॉप्टर रोबोट को अर्जुन कंट्रोल कर रहा था। शाबाश मेरे रोबोट, चल तू आजा वापस, अब और काम करना बाकी है। अर्जुन अपने रोबोट को फिर से हेलीकॉप्टर में बदल देता है और उसे उस गांव से दूसरे गांव में तबाही के लिए भेज देता है और वहां भी वो हेलीकॉप्टर रोबोट बहुत तबाही मचाता है और ऐसे ही वो हर गांव में तबाही मचाने के बाद आगे बढ़ता जाता है। रुकना नहीं है मेरे हेलीकॉप्टर रोबोट, अब तो लड़ाई शुरू हुई है। ऐसे ही करते करते वो कई गांव उजाड़ देता है और हर जगह कोहराम मचाने लगता है और अर्जुन अब ऐसे ही हेलीकॉप्टर रोबोट तैयार कर लेता है। मेरे सिपाहियों, रुकना नहीं है, जब तक सरकार मेरे सामने इतने ना टेक दे हमें रुकना नहीं है। सरकार ने अर्जुन से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन अर्जुन ने उनके सामने ये मांग रखी कि वो अपने रोबोट्स को तभी वापस लेगा जब उसे 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी रकम सरकार नहीं दे सकती थी, इसलिए वो वंडर लेडी और डॉक्टर रेंज को याद करते हैं। वंडर लेडी और डॉक्टर रेंज, अब हमारी आखिरी उम्मीद तुम ही हो, तुम ही हम गांव के लोगों को बचा सकते हो। कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। वंडर लेडी और डॉक्टर रेंज अब वो अर्जुन के पास ही जाते हैं। अर्जुन, हम जानते हैं कि तुम ये सब कर रहे हो, इसलिए अगर अपने खैर चाहते हो तो हमें वो रिमोट वापस कर दो। नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा, तुम नहीं दोगे। डॉक्टर रेंज अर्जुन से छीना छीना शुरू कर देता है और उसे चक्कर तो अर्जुन को गलती से धक्का दे देता है और वो साइंटिस्ट अर्जुन छत से गिर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। वहीं डॉक्टर रेंज को वो रोबोट मिल जाता है और वो उससे सभी हेलीकॉप्टर रोबोट को कंट्रोल करने लगता है और उनको वो वापस बुला लेता है और इस तरह सभी को उस अर्जुन और उनके रोबोट से आजादी मिल जाती है। एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो कड़कनाथ सेठ के खेतों में पानी देने का काम किया करती थी। एक रात को उसको पानी देने जाना पड़ता है, लेकिन खेतों में पानी देने के बाद उसको बहुत तेज नींद आने लगती है। क्या करूं, बहुत नींद आ रही है, लेकिन खेतों को तो पानी भी देना है, ऐसे में गर्मी नहीं जा सकती, अब क्या करूं? तभी उसे अपने सामने एक झूला नजर आता है। वो झूला बहुत ही बड़ा था और देखने में भी बहुत ही सुंदर था। उसे देख टूनी को पता नहीं क्या हो जाता है और वो खुद ही खुद उस झूले की तरफ खींची चली जाती है और जाकर उस झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है। अरे वाह, ये झूला तो बहुत ही अच्छा है, इस पर तो झूलकर बहुत ही मजा आ रहा है और नींद भी नहीं आ रही, मन कर रहा है ऐसे ही मैं जिंदगी भर इस पर झूला झूलती रहूं। तब तक आप बताओ कि 89 + 58 + 98 कितने होते हैं। टूनी आराम से उस पर झूला झूल रही थी, लेकिन तभी उसे अपने सामने से एक बिल्ला अपनी ओर आता नजर आता है जो उसके पास आकर रुकता है और उसे कहता है, ए चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे झूले पर बैठने की, मेरे सिवा इस झूले पर कोई नहीं बैठता है और जो बैठता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता, मौत के घाट उतार देता हूँ। मोतिया बिल्ला, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा झूला है, नहीं तो मैं यहाँ नहीं आती, प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी। कल्लू बिल्ला किसी को माफ नहीं करता और अब तुम भी नहीं बचोगी।
ऐसा कहकर कल्लू बिल्ला टूनी के ऊपर छलांग लगा देता है और उसके गर्दन से काट लेता है। कुछ ही देर में टूनी की मौत हो जाती है और उसके बाद वो कल्लू बिल्ला उस झूले पर झूलने लगता है। टूनी की मौत की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है और लूसी कबूतरी जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी उसे उस झूले पर शक होता है। टूनी की लाश वहीं उस झूले के पास मिली है। आज रात मैं भी उस झूले के पास जाकर देखती हूँ, सब कुछ पता चल जाएगा। आज रात लूसी कबूतरी वहाँ पहुँच जाती है और उस झूले पर झूलने लगती है और कुछ ही देर में कल्लू बिल्ला वहाँ पहुँच जाता है और लूसी से कहता है, तुम पक्षी लोग अपना दिमाग से फिर गए हो क्या? जब देखो मेरे ही झूले पर आकर बैठ जाते हो। कल तो उस चिड़िया को मारा था, आज तेरी बात है कबूतरी। नहीं भूतिया बिल्ले, आज मैं नहीं बल्कि तू मरेगा। तूने मेरी दोस्त को मारकर अच्छा नहीं किया। हम दोनों के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब तू देख मैं तुझे कैसे मारती हूँ, देख अपने पीछे। उसके पीछे से सभी पक्षी अपने हाथों में मशाले लेकर उसकी ओर बढ़ रहे थे और वो मशाले उस भूतिया झूले में जला देते हैं और वो भूतिया झूला देखते ही देखते पूरा जल जाता है और उसके जलते ही वो भूतिया बिल्ला भी वहाँ से गायब हो जाता है और उन सभी को उस भूतिया बिल्ले से आज़ादी मिल जाती है और वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। सुंदरवन के जंगल में इस बार एक बड़े ही मेले का आयोजन होने जा रहा है और जंगल के सभी पक्षी बहुत ही खुश हैं। टूनी लूसी चिंकी तीनों सहेली भी बहुत खुश हैं। अरे यार कितने दिनों बाद हमारे जंगल में मेले का आयोजन होने जा रहा है ना। हाँ यार कई सालों बाद मेला लगने वाला है, कुछ सालों से लग ही नहीं रहा था लेकिन इस बार मेला लग रहा है तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं तो बहुत सारे झूले झूलूंगी, बहुत पकवान खाऊंगी। जंगल के सभी पशु पक्षी बहुत ही खुश थे लेकिन उनकी खुशी को बहुत ही नजर लगने वाली थी क्योंकि उस जंगल में एक कल्लू नाम का बिल्ला आने वाला था। कल्लू बिल्ला जिस जंगल में पहले था वो उस जंगल के सभी पक्षियों को मारकर खा चुका था और उस जंगल के सभी जानवरों को मारने के बाद अब वो इस जंगल में आतंक मचाने आ गया था। क्या अच्छा नजारा है, लगता है इस जंगल की आबादी बहुत ही ज्यादा है। फिर तो बहुत ही मजा आने वाला है, हर दिन अलग अलग जानवर का स्वाद चखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। अगले दिन से मेला लगना शुरू हो जाता है। सभी पक्षी मेले में बहुत ही आनंद ले रहे थे, छोटे छोटे बच्चे झूला झूल रहे थे और तरह तरह के पकवान खा रहे थे। टूनी लूसी और चिंकी भी टिंकी खा रहे थे लेकिन तभी उस मेले में हलचल शुरू हो जाती है और पक्षी चिल्लाने लगते हैं, भागो भागो, एक जंगली बिल्ला मेले में घुस आया है, भागो भागो नहीं तो मार डालेगा। मेले में भाग दौड़ मच जाती है और सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। उधर वो कल्लू बिल्ला दो चिड़िया बच्चों को अपने मुंह में भरकर वहाँ से चला जाता है और वो पक्षी कुछ नहीं कर पाते। टूनी लूसी और चिंकी अब आपस में बात करते हैं। अरे लूसी वो बिल्ला तो बहुत ही खतरनाक था, उससे बचने के लिए हमें कुछ करना होगा। तूने देखा नहीं उसने किस तरह दो बच्चों को अपने मुंह में भर लिया और उन्हें लेकर भाग गया। तब तक आप ये बताइए कि 96 प्लस 25 कितने होते हैं। हाँ उसे रोकना होगा टूनी, अगर उसे सही समय पर नहीं रोका तो वो जंगल के सभी जानवरों को खा जाएगा, हमें भी मार डालेगा। अब वो तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और अगले दिन फिर मेले में जाते हैं। कल्लू बिल्ला जब उन्हें फिर से इकट्ठा देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मुझे तो लग रहा था कि कल के बाद ये मेरे खौफ से लोग डर जाएंगे और नजर भी नहीं आएगा कोई इनमें से, लेकिन हिम्मत की दाद देनी होगी इनकी। लेकिन मुझे उससे क्या करना, मुझे तो अपना खाना खाना है। कल्लू बिल्ला उन सभी पक्षियों पर फिर से हमला कर देता है लेकिन वो कल्ले बिल्लू को जाल में फंसा लेते हैं और उसे पकड़ कर अपना कैदी बना लेते हैं। कल्लू बिल्ला तू क्या सोचता था कि तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा, तू खुद को बहुत होशियार समझता था ना, लेकिन तू ये भूल गया कि हर कुत्ते की मौत का दिन आता है और तेरा आज वो दिन है। आज तू पकड़ा गया, अब तेरा हम वो हाल करेंगे कि तू अपनी पूरी जिंदगी याद रखेगा, मारो इसे। सभी जंगल के पक्षी कल्लू पर अपने बंदियों से बात करने लगते हैं और उसे मार मार कर अलबरा कर देते हैं। उसकी जान निकल जाती है और वो उस बिल्ले की लाश को ले जाकर दूर एक नदी में फेंक आते हैं और उन्हें उस बिल्ले से छुटकारा मिल जाता है। ये कहानी सुंदरवन नाम के जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया की है जो अपने पति कालू और सास ससुर के साथ रहती थी। टूनी की शादी को 5 साल बीत गए थे।
लेकिन अभी तक उसकी गोद नहीं भरी थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी, जिस कारण सभी टूनी को आते जाते ताने भी दिया करते थे, जिससे टूनी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसकी सास चुनमुन उससे कहती है, अरे टूनी बहू, तू चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ माँ जी? बहू, मेरे दूर के मुमेरे भाई ने मुझे बताया है कि श्यामपुर नाम के गांव में एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा कड़कनाथ बाबा रहते हैं, जिनके आशीर्वाद से कई पक्षियों की सुनी गोद भर गई है। चल एक बार तू भी मेरे साथ, क्या पता कुछ उनके ही आशीर्वाद से हो जाए। चुनमुन अपनी बहू टूनी को उस बाबा के पास ले जाती है, जहाँ पहले से बहुत पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। वो बाबा टूनी को एक भभूत दे देते हैं और टूनी उस भभूत को हर रोज अपने दूध में डालकर पीती है और कुछ ही महीनों में वो गर्भवती हो जाती है और कुछ ही समय में वो एक अंडे को जन्म देती है और उस एक अंडे में से एक लड़की पैदा होती है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अरे हे भगवान, तूने आखिरकार मेरी सुन ही ली। मेरे घर में एक बच्चे की किलकारी गूंज ही गई, अब मैं दादी बन गई। सभी उस बच्ची का नाम डिम्पी रखते हैं और उसका बहुत ख्याल भी रखते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक ऐसी खबर मिलती है जो उनके दिलों की धड़कने बढ़ा देती है। बच्चों, पहले आप ये बताओ कि 7x2 कितने होते हैं? तो उन सभी को पता चलता है कि उनके जंगल में एक क्रूर बिल्ला आ चुका है, जो नवजात बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। और टूनी बहू, अब हमें अपनी डिम्पी बच्ची का बहुत ही ख्याल रखना होगा, क्योंकि हमारे जंगल में एक शैतान बिल्ला घूम रहा है जो बच्चों को मार रहा है। नहीं नहीं माँ जी, मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी, मेरी बच्ची मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। अब टूनी के सभी परिवार वाले डिम्पी का बहुत ख्याल रखते हैं, उसके पास ही हमेशा टहलते रहते थे। लेकिन वहीं उस कल्लू बिल्ले की नज़र टूनी की बेटी डिम्पी पर पड़ चुकी थी। अरे वाह, यहाँ एक शिकार छुपा बैठा है, इसका शिकार मैं आज रात ही करूँगा। और ये जो लोग खुद को बहुत चालू समझ रहे हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रात हो जाती है और टूनी और उसके ससुराल वाले सभी सो जाते हैं, और तभी मौके का फायदा उठाकर वो कल्लू बिल्ला घर में घुस जाता है और वो टिंकी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। लेकिन तभी टूनी की नींद खुल जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, मेरी बेटी, मेरी बेटी, वो बिल्ला मेरी बेटी को उठाकर ले गया। अरे बहू, कहाँ गया वो? माँ जी वहाँ गया है। अब सभी पक्षी इकट्ठा होकर उसी जगह जाते हैं जहाँ वो कल्लू बिल्ला छुपा बैठा था। अच्छा, तो ये सब इस बच्ची को बचाने आ रहे हैं, लेकिन मैं इन सबको खा जाऊंगा। कल्लू जैसे ही डिम्पी को अपने मुंह में भरने वाला होता है कि तभी टूनी और उसकी सास चुनमुन वहाँ आकर डिम्पी को उसके हाथ से उड़ाकर ले जाते हैं और बाकी सभी पक्षी उस कल्लू बिल्ले को पकड़ लेते हैं और उसको एक पेड़ से बांधकर उसको बहुत मारते हैं और उसको तब तक मारते रहते हैं जब तक उसका दम नहीं निकल जाता और कल्लू बिल्ला कुछ नहीं कर पाता। बहुत समय पहले की ये बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया की उसी जंगल में एक डेयरी थी जिस पर वो दूध, घी, मक्खन और पनीर सभी सामान बेचती थी। उसका काम बहुत ही अच्छा चलता था और टूनी बहुत ही ईमानदार थी। वो अपने सामान में किसी तरह की कोई मिलावट भी नहीं करती थी, इसलिए जंगल के सभी पक्षी उससे ही सामान खरीदते थे। लेकिन अब उस जंगल में एक कल्लू नाम का बिल्ला आता है। कल्लू बिल्ला भी टूनी के सामने एक डेयरी की दुकान खोल लेता है। अरे टूनी, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ कल्लू बिल्ला, तुम बताओ? मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। वैसे टूनी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने तुम्हारे सामने अपनी एक दुकान खोल ली? अरे नहीं नहीं कल्लू, मुझे खुद पर अपने सामान पर पूरा भरोसा है। अगर मैं अच्छा सामान दूंगी तो सब मेरे ही पास आएंगे। हाँ हाँ, देखते हैं। कल्लू बिल्ला अपने कस्टमर बनाने के लिए पहले दिन सभी को फ्री में सामान देता है। लूट लो, फ्री में बट रहा है दूध, घी, मक्खन, पनीर, लूट लो। क्या फ्री में? हाँ हाँ, लूट लो लूट लो। तब तक आप बताओ कि 56x2 कितने होते हैं? कल्लू बिल्ले के फ्री में सामान देने की वजह से सब उसी के पास जाते हैं और टूनी के पास कोई नहीं जाता। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी थे जो अभी भी टूनी के पास ही आते हैं। पहले दिन तो कल्लू बिल्ला सभी को फ्री में सामान देता है, लेकिन उसके बाद वो कम पैसों में सामान बेचता है। लेकिन वो अपने सामान में मिलावट करता है, इसलिए जल्दी ही सभी पक्षी ये बात समझ जाते हैं और उसे सामान लेना बंद कर देते हैं। ओए कल्लू बिल्ले, ये पकड़ अपना पनीर, हमें पागल समझा है क्या? हम पैसे भी दे और सामान भी खराब ले,
अरे तुझसे अच्छा तो सामान टूनी चिड़िया देती है, भले ये दाम तुझसे थोड़े ज्यादा है लेकिन सामान तो अच्छा होता है, क्वालिटी का होता है। उसके बाद मेरे पैसे वापस दे। अब सभी लोग कल्लू बिल्ली की डेयरी से सामान खरीदना बंद कर देते हैं और वहीं टूनी की डेयरी पर जाने लगते हैं, जिसे कल्लू बिल्ला बहुत जल भुन जाता है और कहता है, मैं इस टूनी चिड़िया का सारा सामान ही चुरा लूंगा, तब देखता हूँ कैसे सामान बेचती है। अब रात को कल्लू बिल्ला टूनी की डेयरी में चुपके से घुस जाता है और उसका सारा सामान चुरा लेता है। और अगले दिन जब टूनी आकर देखती है तो हैरान हो जाती है, अरे मेरा सामान कहाँ गया, रात भर तो यही था, किसी ने देखा क्या? हमें क्या पता टूनी, उसे बहुत बुरा लगा सुनकर। उस दिन टूनी की डेयरी बंद रहती है और कल्लू बिल्ली की डेयरी खुली, इसलिए सभी को सामान कल्लू बिल्ली से ही खरीदना पड़ता है। और ऐसे ही अब टूनी जब फिर से सामान लेकर आती है तो आज फिर कल्लू बिल्ला फिर से उसका सामान चुरा लेता है। टूनी फिर हैरान हो जाती है, उसका सामान गया कहाँ? मैं रोज सामान लाती हूँ और कौन चोर रात को चोरी करता है, आज देखती हूँ, छोड़ूंगी नहीं उसे। आज रात टूनी घर नहीं जाती और वहीं रुककर सब देखती है, तभी उसे कल्लू बिल्ला चोरी करते हुए नजर आता है। वो उसका पनीर, दूध और घी मक्खन उठाकर अपनी दुकान में शिफ्ट कर रहा था। टूनी को देख ये बहुत गुस्सा आता है, वो एक डंडा उठाती है और उस कल्लू बिल्ली के सर पर मार देती है और वो कल्लू बिल्ला वहीं गिर जाता है। अगले दिन टूनी उसकी सच्चाई सभी को बताती है और सभी कल्लू बिल्ले को जेल में डलवा देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक करमपुरा नाम के जंगल में टूनी और लूसी नाम की दो दोस्त रहा करती थी। वो दोनों बचपन की सहेली थी और दोनों ने शादी भी एक ही जंगल में रहने वाले दो दोस्त मिट्टू और कालू कौवे से की थी। उन दोनों के दो दो बच्चे भी थे जो बहुत ही अच्छे और समझदार थे। वो अपने माँ बाप की हर आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन, अरे कालू भाई, मैं अपने दोनों बच्चों का एडमिशन शहर के स्कूल में करवा रहा हूँ। यहाँ के स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, इतनी शहर के इंग्लिश मीडियम में होती है। हाँ मीठू भाई, बात तो आपकी एकदम सही ही है, फिर भी मैं भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा कर क्या करूँगा, मैं भी वहीं एडमिशन करा दूँगा जहाँ आपके बच्चे करवाएंगे। अगले दिन दोनों शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और अपने बच्चों का दाखिला उनके इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाते हैं और घर आकर टूनी को बताते हैं। टूनी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ जी, बच्चों का एडमिशन हो गया? हाँ हाँ हो गया है, और अब कल से उन्हें स्कूल के लिए ले जाने के लिए स्कूल की गाड़ी भी आएगी और उन्हें घर पर छोड़कर भी जाएगी। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तब तक आप बताइए कि 7x9 कितने होते हैं। अगले दिन उनके बच्चों को लेने एक स्कूल वैन आती है और टूनी और लूसी अपने अपने बच्चों को उस वैन में बिठा देती हैं और कहती हैं, बच्चों आराम से जाना और ज्यादा मस्ती मत करना, ठीक है ना? और ये लो तुम्हारा लंच बॉक्स। मम्मी हम मस्ती नहीं करेंगे, हम तो मजे करते हुए जाएंगे। स्कूल वैन वाला उन्हें लेकर चला जाता है, लेकिन वो स्कूल वैन वाला पक्षी नहीं था बल्कि वो कल्लू बिल्ला था जो बहुत ही खूंखार था और बच्चों को किडनैप करके उन्हें खाना उसका पेशा था। अरे वाह, आज तो कई सारे बच्चे हैं, कई दिनों की खुराक मिल गई मुझे तो, अब मैं आराम से बैठ कर इन्हें खा सकता हूँ। कल्लू उन्हें अपने घर ले जाता है और उन्हें रस्सी से बांध देता है। वहीं ऐसे ही शाम हो जाती है और अभी तक जब बच्चे घर नहीं आते तो उनके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। टूनी मिट्टू से कहती है, मेरे बच्चे अभी तक घर क्यों नहीं आए? मिट्टू जी आप कुछ भी करिए लेकिन मेरे बच्चे मुझे ला कर दीजिए। मैं स्कूल गया था टूनी, लेकिन वो कह रहे थे कि उनके यहाँ वैन चलती ही नहीं है। इसका मतलब टूनी, हमारे बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी लूसी कहती है, कालू जी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, आप कुछ भी कीजिए लेकिन उन्हें लेके आइए। तभी सोनू कबूतर वहाँ आता है और वो उन्हें बताता है कि उसने एक वैन को जाते हुए देखा था और उसमें एक बिल्ला भी था। सोनू उन्हें उसी जगह ले जाता है जहाँ कल्लू बिल्ला रहता था। यही वो घर है जहाँ वो कल्लू बिल्ला रहता है, आप अंदर जाइए, आपके बच्चे वहीं जरूर होंगे। वो सभी आप घर के अंदर घुस जाते हैं और कल्लू बिल्ला उसको पकड़ लेते हैं और सभी उसको पकड़ कर एक रस्सी से कुर्सी से बांध देते हैं और डंडे से उसको खूब मारते हैं और उसको थप्पड़ देते हैं
जब तक वो मर नहीं जाता। उसके बाद वो अपने बच्चों को आज़ाद करवा कर अपने घर ले आते हैं और कोई इंग्लिश विंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाते बल्कि अपने ही गांव के स्कूल में पढ़ाते हैं।